हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रेशियो चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ये लास्ट दो सम हमारे बाकी हैं, 18 एंड 19, देन ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। सो आइए 18 सम में पहले क्वेश्चन रीड कर देते हैं, क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर एंड कलेक्शन पीरियड इन डेज। इन डेज कैलकुलेट करने, व्हाट विल बी आंसर इफ कलेक्शन पीरियड इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वीक्स एंड इन टर्म्स ऑफ मंथ्स। अज्यूम 360 डेज ऑफ द ईयर। नाउ डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो है उसका पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा दूं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की मीनिंग होती है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। और ट्रेड रिसीवेबल मैं आपको बता दूं, दैट मींस डेटर्स एंड बीआर जो होता है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, उसे ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। एंड कलेक्शन पीरियड इन टर्म्स ऑफ मंथ्स वीक्स एंड डेज कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। इन मंथ्स में 12 अपॉन डेटर्स टर्नओवर करेंगे, क्योंकि पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं। इन वीक्स में 52 अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो करेंगे, क्योंकि पूरे एक साल में 52 वीक्स होते हैं। एंड इन डेज में 365 अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो करेंगे, क्योंकि डेज 365 होते हैं। अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 360 बोला हो तो 360 लोगे आप। सो ओवरऑल हमें ये करना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, देन डेटर्स टर्नओवर एंड देन कलेक्शन पीरियड। ये फॉर्मूला सारी आपकी नोट डाउन की हुई है फर्स्ट लेक्चर में। सो अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। ये एक ही सम दिया हुआ है पूरे बुक में, इसमें एक्सरसाइज में डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अगर आपको इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आपको इलस्ट्रेशंस करने चाहिए। एक बी इलस्ट्रेशन इस चैप्टर का मिस नहीं करना चाहिए, पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। सो आइए पहले एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, दैट मींस ओपनिंग डेटर्स प्लस बीआर एंड क्लोजिंग डेटर्स प्लस बीआर डिवाइड बाय 2। नाउ क्वेश्चन में देखें, डेटर्स दिए हुए हैं। सो डेटर्स की वैल्यू दी हुई है 70,000 ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल 20,000 प्लस क्लोजिंग डेटर्स 50,000 एंड क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल 6,000। सो इन सबको प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 70, 20, 50 एंड 6, टोटल आंसर हुआ 1,46,000 डिवाइड बाय 2, 73,000 रुपीज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नाउ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के बाद हम कैलकुलेट करेंगे डेटर्स टर्नओवर। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के बाद हम कैलकुलेट करेंगे डेटर्स टर्नओवर। देखिए ये फॉर्मूला का पेज है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। नाउ डेटर्स टर्नओवर रेशियो। सो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। सो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का मैं फॉर्मूला लिखूंगा पहले। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स
डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब क्रेडिट सेल, तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्रेडिट सेल दिया हुआ है 365,000। सो 365,000 डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 73,000। सो 365 डिवाइड बाय 73,000, सो जो आंसर हो जाएगा दैट इज 5 times। ये जो आंसर होगा टाइम्स में आता है, 5 times। सो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि आपके डेटर्स एक बार आपको पैसा देते हैं 73,000 जो उनका अमाउंट बाकी है, फिर गुड्स ले जाते हैं, फिर दूसरी बार पैसा देते हैं, फिर गुड्स ले जाते हैं, ऐसा कर कर 5 times एक डेटर का टर्नओवर हो रहा है पूरे साल में। 5 times एक डेटर टर्नओवर कर रहा है। नाउ इतना करने के बाद अब हमें ये फॉर्मूला वाला पेज है, फिर से हमें कैलकुलेट करना है कलेक्शन पीरियड। सो मैं कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट कर रहा हूँ, पहले इन डेज, देन इन वीक्स एंड देन इन मंथ्स। सो ये रहा डेटर्स कलेक्शन पीरियड। फॉर्मूला लिखा है 360 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर। देखिए 360 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में 360 लेने के लिए बोला हुआ है। नहीं तो आप बोलेंगे सर फॉर्मूला वाले पेज में तो आपने 365 लिखवाया है। अगर दिया हुआ है 360 तो 360 ले लो, नहीं दिया हुआ है तो आपको 365 लेना है, ठीक है। सो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा इन डेज 360 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। सो 360 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो आया है हमारा 5 times, सो डिवाइड बाय 5 करेंगे। 360 डिवाइड बाय 5, सो आंसर आ जाएगा 72 days। दैट मीन्स एक डेटर एवरेज हमें 72 डेज में पेमेंट देकर जाता है, और ऐसे टर्नओवर पूरे साल में 5 times होता है, 5 times वो डेटर हमारे पास आता है। सो ये था आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो 1 और ये है 2। नाउ 2 में है इन वीक्स, इन वीक्स तो वीक्स कैसे करेंगे, पूरे साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। सो 52 डिवाइड बाय, यही फॉर्मूला अप्लाई करनी है हमें, डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इसका जो आंसर आएगा वो वीक्स में आ जाएगा आंसर। सो 52 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो है 5। सो 52 डिवाइड बाय 5 करेंगे, सो 10.4 वीक्स। ये जो आंसर आया ये वीक्स में आ गया। नाउ थर्ड पॉइंट, लास्ट, इन मंथ्स, सो इन मंथ्स पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो यहां पर इन मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए 12 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर। सो 12 डिवाइड बाय 5, सो आंसर होगा 12 डिवाइड बाय 5 2.4 months। सो एक डेटर हमें पूरे साल में एवरेज 72 डेज में पैसा देकर जाता है, या ये कह सकते हैं कि 10.4 वीक्स में पैसा मिलता है हमें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2.4 मंथ्स में पेमेंट मिलती है। सो ये है हमारा कलेक्शन पीरियड। सो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था, नोट डाउन कर लीजिए आप। ये फर्स्ट पेज था और ये सेकंड पेज।
सो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट टाइम करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 19। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन 19 में क्या दिया हुआ है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 में डेटर्स टर्नओवर रेशियो किया, यहां पर आपको क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, डेटर्स की जगह क्रेडिटर्स। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर एंड पेमेंट पीरियड इन डेज। ये भी सेम है, इन डेज। व्हाट विल बी द आंसर इफ द पेमेंट पीरियड इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वीक्स एंड इन टर्म्स ऑफ मंथ। एज्यूम 360 डेज ऑफ द ईयर। सो सेम करना है जो हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो में करके आए हैं, सेम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में है। ये रहा फॉर्मूला। डेटर्स में हम डेटर्स लिखते थे, क्रेडिटर्स में क्रेडिटर्स लिखेंगे। वहां पर हम क्रेडिट सेल लिखते थे, यहां पर हम क्रेडिट परचेज लिखेंगे। सो ये क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो सेम है। अगर मैं आपको होमवर्क भी दे दूं तो आप कर लोगे, बट फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि हमने सारे सम्स किए हैं, तो एक सम की वजह से चैप्टर बाकी ना रह जाए। सो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स, एंड ट्रेड पेएबल्स की मीनिंग होती है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। सो पहले हम एवरेज ट्रेड पेएबल्स कैलकुलेट करेंगे, देन क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, एंड देन इन डेज, इन वीक्स, इन मंथ्स। सो आइए पहले एवरेज ट्रेड पेएबल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एवरेज ट्रेड पेएबल्स का फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल डिवाइड बाय 2। डेटर्स में हम क्या लिखते थे, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, यहां पर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। सो क्वेश्चन नंबर 19 में देखें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिए हुए हैं। सो ओपनिंग जो यहां पर क्रेडिटर्स दिए हुए हैं वो है 45,000, बिल्स पेएबल 15,000, ये हो गए दोनों ओपनिंग। क्लोजिंग क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेएबल 20,000, डिवाइड बाय 2। सो टोटल करेंगे 45,000 प्लस 15,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, तो ये हो गए 1,20,000 डिवाइड बाय 2। सो आंसर आ गया 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़ एवरेज ट्रेड पेएबल्स। नाउ हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स। नाउ हमें क्रेडिट परचेज चाहिए, तो देखो क्वेश्चन में दी हुई क्रेडिट परचेज, फर्स्ट 3 फिगर्स तो सेल के हैं, सेल तो हमें चाहिए ही नहीं। टोटल परचेज दी हुई है और कैश परचेज दी हुई है। अब यहां पर ही मैं बता रहा हूं, टोटल परचेज है और कैश परचेज है। अगर हम टोटल में से कैश परचेज को माइनस कर दें, 6 लाख में से 240 माइनस कर दें, तो हमें क्रेडिट परचेज मिल जाएगा यहां पर
क्रेडिट परचेस 6 लाख माइनस 240, सो क्रेडिट परचेज हो गया 360। डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, एवरेज ट्रेड पेबल्स की वैल्यू है 60,000। सो 360 डिवाइड बाय 60, तो ये हो जाएगा आंसर 6 times। ये आंसर हो जाएगा 6 times। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 6 times। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने सेम किया, यहाँ पर डेटर्स की जगह डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल लेंगे, क्रेडिटर्स की जगह पर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल लेंगे। अब सेम हमें जैसे कर आए हैं कलेक्शन पीरियड, वैसा ही कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है। सो आइए कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो था डेटर्स में हम लिखेंगे कलेक्शन पीरियड, और यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर हमें पेमेंट पीरियड लिखना होगा, क्योंकि डेटर्स होंगे तो हम कलेक्ट करेंगे और क्रेडिटर्स होंगे तो हम पे करेंगे। सो पेमेंट पीरियड, पेमेंट पीरियड फर्स्ट पॉइंट, इन डेज, इन डेज के लिए फॉर्मूला होगा 360 डिवाइड बाय 360 creditors turnover ratio। सो 360 डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है 6 times, सो डिवाइड बाय 6 करेंगे। सो 360 डिवाइड बाय 6, दैट मीन्स 60 डेज में हम एवरेज अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, यह है इन डेज। नाउ सेकंड पॉइंट होगा इन वीक्स, सो पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं, 52 डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। सो 52 डिवाइड बाय 6 मीन्स 8.666 आ रहा है, तो मैं 8.67 कर रहा हूँ, 8.67 वीक्स में हम एवरेज अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट देते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट लास्ट इन मंथ्स, स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बता दूं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के एक्सरसाइज में सिर्फ एक एक सम ही दिया हुआ है, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी और करनी पड़ेगी। किसमें से, इलस्ट्रेशंस में से, भूलना मत इलस्ट्रेशंस करना, सारे इलस्ट्रेशंस आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं। और अगर किसी भी इलस्ट्रेशन में आपको डाउट आ रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सो नाउ इन मंथ्स, इन मंथ्स में है, पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। सो 12 डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 6, सो 12 डिवाइड बाय 6 दैट मीन्स एवरेज टू मंथ्स में हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट देते हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये आपका 19 क्वेश्चन पूरा हुआ और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो गया। सो ये है क्वेश्चन नंबर 19, नोट डाउन कर लीजिए, ये फर्स्ट पेज है इसका।
और ये क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पेज। सो ये लेक्चर यहाँ ही पूरा हुआ, चैप्टर भी पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ।